हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट हैंड विद फिक्की टू इनिशिएट री इमेजन कैंपेन। अभी क्या री इमेजन कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है? फिक्की। और इनमें से कोई एक हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके री इमेजन कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए? टू सपोर्ट वनरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रंस इन इंडिया। सो द आंसर इज यूनिसेफ। अब हम देख लेते हैं कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या है। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? फिक्की की प्रेसिडेंट है संगीता रेड्डी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इट्स इन न्यूयॉर्क। और कैंपेन का क्या नाम था? री इमेजन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च इनोग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 हाईवे प्रोजेक्ट। अभी क्या 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो इनिशिएट किया है किसने? किया है मिस्टर नितिन गडकरी ने। वो कौन है? हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। सो ये 11 हाईवे प्रोजेक्ट्स कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं? ये हरियाणा में स्टार्ट हुए हैं। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि जो नितिन गडकरी है वो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके यूनियन मिनिस्टर भी है मिस्टर नितिन गडकरी। और जो हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? मनोहर लाल। और जो ये प्रोजेक्ट हुआ था ये कितने अमाउंट का था? इट इज अराउंड ₹20,000 करोड़। 11 हाईवेज को बनाने का प्रोजेक्ट है। विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड पैनल कमीशन टू डिसाइड ऑन ट्राइबल स्टेटस ऑफ रबारी भरवाद एंड चरण कम्युनिटीज़। जो ये कम्युनिटीज़ है इनको क्या ट्राइबल स्टेटस देने के लिए कमीशन फॉर्म हुआ है। अब हमें ये बताना है कि वो कमीशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। और गुजरात की कैपिटल इज गांधीनगर। और जो यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? विजय रूपानी। अब जो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, दैट इज रबारी भरवाद एंड चरण कम्युनिटीज़, इनको क्या मिलेगा? अभी स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा और इनको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो एसटी को मिलते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, उसने अभी क्या रिलीज़ किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। अब हमें ये बताना है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो उसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है वीना में, दैट इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 12, 2020। ठीक है, और उसका जो सेलिब्रेशन जो हुआ था उसका जो नाम था, वो फाउंडेशन डे जो हमने सेलिब्रेट किया था वो किस नाम से सेलिब्रेट किया था? वो सेलिब्रेट किया गया था डिजिटल चौपाल के नाम से। अब हमें ये बताना है कि कौन सा फाउंडेशन डे था नाबार्ड का। ये 39th फाउंडेशन डे था नाबार्ड का। अब हम कुछ इसके बारे में स्टैटिक देख लेते हैं। नाबार्ड का क्या मतलब है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसके जो हमारे जो चेयरमैन है वो कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन है जी आर चिंताला। ठीक है, और ये 39 फाउंडेशन डेज का सेलिब्रेट हुआ था जिसका नाम था डिजिटल चौपाल। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स ने अभी एक वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन की जो लिस्ट है वो अभी निकाली है। उसमें जो मुकेश अंबानी है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, सॉरी फाउंडर नहीं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, उनकी क्या रैंक है? उनकी जो रैंक है वो है 6th रैंक। और ये टॉप किसने किया? ये जेफ बेजोस हैं, उन्होंने टॉप किया। ये किसके सीईओ हैं? ये सीईओ अमेज़न। ठीक है, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स में 6th रिचेस्ट पर्सन कौन है? वो है मुकेश अंबानी। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने किसको सरपास किया? ही हैज सरपास इलोन मस्क, जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टेल्सा एंड अल्फाबेट को अल्फाबेट के हैं सॉरी टेल्सा के हैं। और अल्फाबेट के जो को फाउंडर हैं सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज, उनको सरपास कर दिया है।
विच आईआईटी हैज डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट नेम्ड शुद्ध। शुद्ध के नाम से एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट है जो कि लॉन्च किया है। इनमें से कौन से आईआईटी ने लॉन्च किया है, जो कि क्या है, टू मेक सराउंडिंग कोविड फ्री, मतलब कोविड से फ्री करने के लिए सराउंडिंग्स को शुद्ध नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वो किसने लॉन्च किया? इट इज लॉन्च्ड बाय आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असोल्ट ट्राइफल्स अराद एंड कारमेल आर सेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अब जो अरसाद एंड कारमेल जो अभी राइफल्स हैं, वो इंडिया क्या मैन्युफैक्चर करेगी? इंडिया मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर करेगी उनको, अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में, इन पीवीआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये पीवीआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। द अराद एंड कारमेल आर असोल्ट राइफल्स ऑफ विच कंट्री? अब हमें ये बताना है कि जो ये राइफल्स है वो कौन सी कंट्री की हैं। ये है इसराइल की, और इसराइल क्या है, एक मिडल ईस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल इज जेरूसलम, और इसकी जो करेंसी है वो क्या है, करेंसी इज इसराइली सेकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज प्लान टू होस्ट 2021 एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट? जो हमारा 2021 एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा वो कौन सी कंट्री में होगा? वो श्रीलंका में होगा, और श्रीलंका की जो कैपिटल है, अभी ध्यान रखना कि श्रीलंका की दो कैपिटल है, फर्स्ट वन इज श्री जया वार्देनपुरा, जो कि कौन सी कैपिटल है, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी कैपिटल जो उसकी पुरानी कैपिटल थी दैट इज कोलंबो, वो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक इफ इट ब्लीड्स? इफ इट ब्लीड्स नाम की अभी एक बुक लॉन्च हुई है, वो किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय स्टीफन किंग। नाउ सम स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। गुरुप्रिया ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अब हमें बताना है कि जो गुरुप्रिया ब्रिज है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबार इज द सिटी इन विच कंट्री? जो चाबार जो सिटी है, ये अभी क्या अभी न्यूज में था, अभी हमें बताना है कि जो चाबार सिटी है वो कौन से कंट्री में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन ईरान। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चाबार पोर्ट बन रहा था उसमें इंडिया कुछ फंडिंग दे रही थी, किसको? ईरान को। सो अभी ईरान ने क्या किया, ईरान ने ये डिसाइड किया है कि हम चाबार रेल लाइन जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए इंडिया के इंडिया से फंड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इंडिया इज मेकिंग डिले फ्रॉम फंडिंग द प्रोजेक्ट। अभी इंडिया डिले कर रही है इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। और चाबार फोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, एंड इट इज 72 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गवादर फोर्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, 72 किलोमीटर्स अवे है कहाँ से, जो चाबार फोर्ट है और ग्वादर फोर्ट है जो पाकिस्तान में सिचुएटेड है, उनके बीच का डिस्टेंस है 72 किलोमीटर्स है। और जो ग्वादर फोर्ट है जो पाकिस्तान में बना हुआ है, वो उसको किसने किसने बनाया था? उसको चाइना गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ शिपिंग? शिपिंग के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है वो हमें बताने हैं, वो कौन है? वो है मनसुख एल मंदवाया। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारी ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स जो इंडेक्स आया था उसमें टॉप किसने किया था? उसमें टॉप किया था मिस्टर जेफ बेजोस ने, जो कि कौन है, जो कि अमेजोन के सीईओ हैं। सेकंड नंबर किसका है? बिल गेट्स का है, जो कि किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। एंड थर्ड वन इज बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि फ्रेंड्स की किसी कंपनी के सीईओ हैं। और जो इंडिया के थे, इंडिया में सिक्स नंबर पे हमें पता ही है, हमने पढ़ा था अभी, कि मुकेश अंबानी हैं वो थे। और इनकी नेटवर्थ कितनी थी? उनकी नेटवर्थ थी 74 अराउंड 74 बिलियन। और 77th नंबर पे इंडिया के जो दूसरे पर्सन हैं वो कौन है? अजीम प्रेमजी, जो कि क्या है, विप्रो के चेयरमैन है। और 89th नंबर पे कौन है? शिव नादार हैं, जो कि HCL के चेयरमैन हैं। और इनकी नेटवर्थ है, अजीम प्रेमजी की नेटवर्थ है 62.90 बिलियन है, और शिव नादार की जो नेटवर्थ है वो है 15.80 मिलियन। सो थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू अगेन.